अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो लेक्चर में स्टेट्स का एक इंट्रोडक्शन लेंगे स्टैटिस्टिक्स का, और ये देखेंगे कि हमें अपने स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस में क्या चीज़ें पढ़नी होंगी। देखिए, जब हम स्टैट्स की बात करते हैं तो हम अपने जो स्टैट्स का हमारा सिलेबस है उसको हम आप कह सकते हो कि चार अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। कुछ टॉपिक्स इस डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा भी होंगे, लेकिन जनरली आप अपने स्टेटिस्टिक्स को चार अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हो। इसमें से जो पहला हिस्सा है वो आपका कहलाएगा डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन का मतलब ये होता है कि डेटा को इकट्ठा करना, डेटा को जमा करना, इसको हम डेटा कलेक्शन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल में एक क्लास है और उसके स्टूडेंट्स के डिफरेंट मार्क्स आए एक टेस्ट में, उनसे उनके मार्क्स पूछना। फॉर एग्जाम्पल, लोगों की हाइट्स पूछना, उसका मकसद आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम डेटा को जमा करें, डेटा या इन्फॉर्मेशन को गैदर करें, ये स्टैट्स का पहला जो है आप कह सकते हो कि स्टेप होता है। अच्छा, ये जो पहला स्टेप है इसमें जब हम डेटा को गैदर करते हैं तो दो तरह की हमारे पास वैल्यूज, वेरिएबल्स या डेटा जमा होता है। एक कहलाता है आपका डिस्क्रीट, एक कहलाता है डिस्क्रीट डेटा या डिस्क्रीट वेरिएबल, और एक कहलाता है कंटिन्यूस डेटा या कंटिन्यूस वेरिएबल। ठीक है, अब ये डिस्क्रीट क्या है और ये कंटिन्यूस क्या है इसको देख लेते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हम डिस्क्रीट डेटा की बात करते हैं तो डिस्क्रीट डेटा वो होता है जो होल नंबर्स में एग्जिस्ट करता है। डिस्क्रीट डेटा वो होता है जो होल नंबर में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कह सकते हो कि एक फुटबॉल मैच में प्लेयर्स ने कितने गोल्स स्कोर किए, एक गोल, दो गोल, तीन गोल, ये डिस्क्रीट डेटा। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लासरूम में कितनी चेयर्स हैं, 20 चेयर्स हैं, 25 चेयर्स हैं, 100 चेयर्स हैं, ये डिस्क्रीट डेटा है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लासरूम में कितने एयर कंडीशनर्स स्टॉल हुए हैं, इंस्टॉल में हुए, दो या तीन या चार या पांच, ये डिस्क्रीट डेटा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कितने मोबाइल फोन्स या लैपटॉप्स हैं, दो या तीन या एक, ये डिस्क्रीट डेटा है। तो कुछ डेटा ऐसा होता है जो डिस्क्रीट डेटा होता है, और डिस्क्रीट डेटा होल नंबर्स में एग्जिस्ट करता है। और डिस्क्रीट डेटा कलेक्ट कैसे होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग। यानी कि कभी भी अगर मुझे डिस्क्रीट डेटा कलेक्ट करना होता है तो मैं उसकी काउंटिंग करता हूं, गिनती करता हूं, काउंट करता हूं। काउंट करने से डिस्क्रीट डेटा मेरे पास आ जाता है जो कि होल नंबर्स में एग्जिस्ट करता है। कुछ डेटा ऐसा भी होता है स्टैट्स में जो कंटिन्यूअस डेटा होता है, और ये वो होता है कि विच कैन एग्जिस्ट इन डेसिमल्स और पार्शियल नंबर्स एज वेल। होल नंबर्स में भी हो सकता है, होल नंबर्स में भी हो सकता है, लेकिन डेसिमल्स में भी एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इसकी एग्जाम्पल में कह सकते हो किसी का वेट। अब जब आप वेट की बात करते हो तो वेट 58 किलोज भी हो सकता है, 58.2 किलोज भी हो सकता है, 58.5 किलोज भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइट, किसी की हाइट 5 फिट 2 इंचेस भी हो सकती है, किसी की हाइट 5 फिट 4 इंचेस भी हो सकती है। जो कंटिन्यूस डेटा होता है इसको कलेक्ट करने के लिए हम मेजरमेंट करते हैं। यानी कि अगर मुझे किसी की हाइट मालूम करनी है तो मुझे उसको मेजर करना पड़ेगा, रादर देन कि मैं हाइट को काउंट करूं। किसी का मुझे अगर वेट मालूम करना है तो मुझे उसके वेट को मेजर करना पड़ेगा, रादर देन के मैं काउंट करूं। तो ये दो तरह के डेटा होते हैं।
जब आप डेटा की कलेक्शन कर लेते हो, जो कि हमारे स्टैट्स का पहला स्टेप है, जब आप डेटा की कलेक्शन कर लेते हो जो कि हमारे स्टैट्स का पहला स्टेप है, तो जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है डेटा की प्रेजेंटेशन। अब डेटा को बहुत सारे तरीकों से प्रेजेंट किया जाता है, डेटा को बहुत सारे तरीकों से प्रेजेंट किया जाता है जो हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। बहुत सारे तरीके होते हैं, फॉर एग्जांपल डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट किया, या डायग्रामेटिकली ग्राफिकली स्टेम एंड लीफ डायग्राम बनाया, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाया, या हमने हिस्टोग्राम बनाया। ठीक है, बहुत सारे तरीके, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, स्टेम एंड लीफ डायग्राम, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, हिस्टोग्राम बना लेना, एंड सो ऑन। मिसाल के तौर पर लेट्स से कि एक क्लास में 4 स्टूडेंट्स हैं, उनका मैंने टेस्ट लिया और टेस्ट के मार्क्स जो है ना वो कुछ आए 6, 8, 4, 9। ये इन 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे। ये डेटा मैंने जमा कर लिया। अब इस डेटा को अगर मैं चाहूं तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकता हूं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है सबसे कम से सबसे ज्यादा पर जाना, यानी कि अगर 6, 8, 4, 9 को सबसे कम से सबसे ज्यादा के ऑर्डर में लिखूंगा तो 4, 6, 8 एंड 9 इस तरह से लिखूंगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे तरीके होते हैं जो हम अपने स्टेट्स के सिलेबस में पढ़ेंगे। स्टेम एंड लीफ डायग्राम क्या है, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट क्या है, हिस्टोग्राम क्या है, हिस्टोरीग्राम क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स क्या है, बहुत सारी और चीजें भी होंगी। ठीक है, तीसरा स्टेप पर्टेन करता है कंप्यूटेशंस एंड कैलकुलेशंस से। अब हम जब डेटा जमा कर लेते हैं, उसको प्रेजेंट कर लेते हैं, तो हम बहुत सारे तरह की कंप्यूटेशंस और प्रेजेंटेशंस करते हैं। कंप्यूटेशंस एंड कैलकुलेशंस कैसी हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल मीन कैलकुलेट करना, हम पढ़ेंगे कि मीन क्या है। मीन में भी 3 टाइप्स हैं, ज्योमेट्रिक, अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन। एक सिंपल तरीके में अगर मैं बोलूं, एक सिंपल वर्ड्स में बोलूं, तो मीन का मतलब है एवरेज। उसके बाद मोड कैलकुलेट करना, मीडियन कैलकुलेट करना, स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करना, वेरिएंस को कैलकुलेट करना, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे और हम देखेंगे कि इनका मकसद क्या है। मीन क्या होती है? एक सिंपल सी मीन होती है एवरेज। फॉर एग्जांपल अगर इन 4 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए हैं वो 4, 6, 8, 9 आए हैं, तो इसकी मीन क्या होगी, एवरेज क्या होगी? 4 + 6 + 8 + 9 यानी कि 27 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 6.75। तो ये जो मीन है ना, ये 6.75 है। और फिर जब हम कंप्यूटेशंस एंड कैलकुलेशंस कर लेते हैं, उसके बाद जो आखिरी या चौथा स्टेप होता है वो होता है कंक्लूजन्स एंड टेस्टिंग्स। कंक्लूजन का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्लास टीचर हूं, मेरी क्लास में 4 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स 6, 8, 4, 9 आए, ये मैंने कलेक्ट कर लिए थे, मैंने उनको असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख दिया था 4, 6, 8, 9, मैंने उनकी मीन भी कैलकुलेट कर ली थी। मुझे प्रिंसिपल ने ये कहा हुआ था कि अगर तुम्हारे क्लास में
दो स्टूडेंट्स कम से कम ऐसे होंगे जिनके मार्क्स 7 या उससे ज्यादा आए होंगे, और साथ में अगर तुम्हारे क्लास के एवरेज मार्क्स जो मीन मार्क्स हैं वो 6 या 6 से ज्यादा होगा तो हम आपको बोनस देंगे। प्रिंसिपल ने कहा हुआ था कि अगर तुम्हारी क्लास में 2 या 2 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ 4 जिनके 7 या 7 से ज्यादा मार्क्स आए हो, और साथ में जो पूरी क्लास है उसका अगर मीन या एवरेज जो है वो 6 से ज्यादा हो तो हम आपको बोनस देंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं कंक्लूजन लिखूंगा कि क्या मुझे बोनस मिलेगा या नहीं। पहली कंडीशन ये थी कि 2 बच्चों के 7 या 7 से ज्यादा मार्क्स आने चाहिए। ऐसे 2 बच्चे हैं, यस हैं, 8 मार्क और 9 मार्क। दूसरी कंडीशन ये थी कि क्लास का एवरेज जो है ना वो 6 से ज्यादा हो, तो क्लास का एवरेज 6.75 है जो कि 6 से ज्यादा है। तो मेरा कंक्लूजन ये होगा कि यस बोनस जो है वो मिलेगा। ठीक है। अच्छा सर, टेस्टिंग्स क्या है? हमारे सिलेबस में 2 तरह की स्टेटिस्टिकल टेस्टिंग्स इंक्लूडेड है। वो जब हम करेंगे, जब हम उस चैप्टर्स पे पहुंचेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उनका नाम क्या है। एक टेस्टिंग कहलाती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एक टेस्टिंग हमारी कहलाती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में मैं किसी का कोई क्लेम जो होगा उसको टेस्ट करता हूं कि वो बंदा सही बात कह रहा है या सही बात नहीं कह रहा। इसको हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं। जब इस चैप्टर पर आएंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। एक और टेस्टिंग जो सिलेबस में है वो कहलाती है काई स्क्वेयर टेस्टिंग। काई स्क्वेयर टेस्टिंग, अगेन काई स्क्वेयर टेस्टिंग जो है उसमें इन इटसेल्फ 2 टेस्ट होते हैं, टेस्ट ऑफ एसोसिएशन और गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। तो अगेन जब हम टेस्टिंग्स के चैप्टर्स पर आएंगे तो उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अभी मेरा मकसद ये था कि मैं आपको एक हाईलाइट कर दूं कि यार स्टैट्स जो है ना उसका एक एक मैप बना दूं आपके दिमाग में कि आखिर हम स्टैटिस्टिक्स को यूज़ क्यों करते हैं या उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक चीज़ आप कह सकते हो कि डेटा की कलेक्शन है, दूसरी चीज़ उसकी प्रेजेंटेशन है, तीसरी चीज कंप्यूटेशंस एंड कैलकुलेशंस है, और फिर कंक्लूजन्स एंड टेस्टिंग। हम अब डेटा की कलेक्शन को भी डिटेल में पढ़ेंगे, हम डेटा की प्रेजेंटेशन को भी डिटेल में पढ़ेंगे, हम कंप्यूटेशंस एंड कैलकुलेशंस को भी डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर हम कंक्लूजन्स एंड टेस्टिंग्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे। आप समझ लो कि ये जो डायग्राम आपके सामने बनकर आया है इसमें आपके स्टैट्स का बहुत सारा सिलेबस कवर्ड है। बहुत सारी बातें इसी डायग्राम से निकलेंगी, इसी डायग्राम में बहुत सारी जो टर्म्स लिखी हुई है, जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसकी हम डिटेल में जाएंगे, उसको हम पढ़ेंगे। मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस जब हम पढ़ेंगे तो शायद 40 40 50 50 मिनट में, एक एक घंटे में एक एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँगा। ठीक है। कुछ ऐसी बातें हैं जो इस डायग्राम में नहीं है। मेजॉरिटी चैप्टर्स जो हमारे सिलेबस के हैं वो इस डायग्राम में मैंने कवर कर दी हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो इस डायग्राम में नहीं है। फॉर एग्जांपल, इस डायग्राम में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका मैं डिस्कशन नहीं किया है वो है प्रोबेबिलिटी। बहरहाल कहीं ना कहीं ये प्रोबेबिलिटी भी जो है ऊपर वाले डायग्राम से लिंक्ड है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह करोगे तो प्रोबेबिलिटी जो है उसका लिंकेज कुछ डिवेलप होगा, उसका कुछ काम होगा। या प्रोबेबिलिटी के अलावा फॉर एग्जांपल ऊपर वाले जो मैंने चैप्टर्स लिखे हैं या जो आपको इंट्रोडक्शन बनाया है उसमें इंडेक्स नंबर्स जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो जब हम सिलेबस पढ़ेंगे तो हम इंडेक्स नंबर्स भी देखेंगे कि वो ऊपर वाले चैप्टर से किस तरह से लिंक्ड है, शायद लिंक्ड हो शायद लिंक्ड ना हो। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि भाई स्टैट्स जो है ना वो क्या चीज़ है और स्टैट्स में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। अब हम एक एक चीज़ की डिटेल में जाएंगे, चीज़ों को डिटेल में चेक करेंगे, हाईलाइट करेंगे, इंश्योर करेंगे कि उनके कॉन्सेप्ट हम समझ जाएं, और उसके बाद फिर चीज़ों की लिंकिंग भी करेंगे। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया।